नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज सिंगाड़े का हलवा बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगाड़े का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 1/4 कप सिंगाड़े का आटा। 1/4 से 1 चम्मच कम चीनी ली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 3 टेबल स्पून घी लिया है, घी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और जितना आटा लिया उसका 3 गुना पानी लेना है, तो मैंने गर्म पानी कर लिया है। और पिस्ता और बादाम गाड़ने इसके लिए। अब सबसे पहले घी डाल देंगे पैन में और घी को गर्म होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें सिंगाड़े का आटा डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए ब्राउन होने तक सेक लेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। ये ब्राउन हो गया है, इस तरह से सेक लेंगे। अब गैस सिम कर देंगे और ये पानी डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस को फुल कर देंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकने देंगे। ये गाढ़ा हो गया है, अब गैस सिम कर देंगे और चीनी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। चीनी को गलने देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। चीनी इसमें अच्छी तरह गल गई है, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैंने पिस्ता और बादाम लिए, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो। और मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये हमारा सिंगाड़े का हलवा बनके तैयार हो गया है। अब इसे आप व्रत में बना सकते हो और खा सकते हो। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।